अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम फोटोशॉप के अंदर वेब डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग किस तरीके से करते हैं उसको आज ज़रा देखते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, कल मैंने एक वीडियो शेयर की है मल्टीमीडिया गुरु और मीडिया गुरु दोनों चैनल्स पर, और उसमें मैं वीडियो स्क्राइब सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को मीडिया गुरु के ऊपर। अगर आप मीडिया गुरु ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो और बेल आइकन को क्लिक कर चुके हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है आपसे ये स्किप हो जाएगी वीडियो। इस एक सॉफ्टवेयर से यानी वीडियो स्क्राइब से आप जो है वो महाना जाओ 10 लाख तक कमा सकते हो। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 10 लाख, मिनिमम भी अगर आप सही की वीडियोस बनाना शुरू कर दिए आपने तो शुरू शुरू में ही आपको ये 4 लाख तक का मुनाफा देगा महीने का। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने नया नया चैनल खोला होता है वो 50,000-25,000 इस तरह महीना करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो इस सॉफ्टवेयर में प्रोफेशनल होते हैं। चूँकि मैं कई सालों से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो स्क्राइब को 15 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया जिसको मैं यूज़ करते हुए, लेकिन जो तजुर्बा है जो मैं आपको दे रहा हूँ वो मैं आपको 25 साल का दे रहा हूँ, जिसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी एनिमेशन के हवाले से, तो वो भी आपको इसमें बताऊँगा। तो अब आप देखेंगे कि मीडिया गुरु पर एक और प्लेलिस्ट का इजाफा हो गया जिसका नाम है वीडियो स्क्राइब। तो वहाँ जाके आपको लाइन से वीडियोज़ मिल जाएंगी कि वीडियो स्क्राइब पर कैसे काम करना है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, ना इन पेज आता है, ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, यानी कोई स्किल्स नहीं है, वो भी आराम से ये बना सकता है। ठीक है, इसके अंदर स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। बस ये कि आप मीडिया गुरु को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये जैसे ही वीडियो अपलोड होती है इसके अंदर आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। तो उम्मीद है आप भी इंशाल्लाह कमेंट्स में बताओगे कि आज आपने इतना कमाया या आपने या आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं आपको लेकर आ जाता हूँ यहाँ से फोटोशॉप के अंदर। ऑलरेडी मैं एक इमेज खोल चुका हूँ, ये आपको नेट से मिल जाएगा, गूगल से। आप कोई जैसे कि आपको एक मॉकअप की तरह दिखाना है वेबसाइट, जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें एक मॉकअप टाइप दिखाएंगे जिसमें आपका जो पेज है वह एक आप लैपटॉप के अंदर लगा हुआ दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर डायरेक्टली एक बड़ा पेज भी आप शो कर सकते हो। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है वो एक पेज लेआउट डिज़ाइन करना है। पेज लेआउट बहुत आसानी से आप डिज़ाइन कर लेंगे, किस तरह से करेंगे देखिए। पहले तो आपको एक वाइट पेज चाहिए पूरे एरिया के लिए, तो ये तो आपका सैम्पल है जो आप बार बार खोल के देख सकेंगे। मैं लॉक खोल लेता हूँ और इसको आप ऑन ऑफ कर सकेंगे। और दूसरा ये कि इसी के ऊपर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सबसे, ये कहलाएगा पेज लेआउट। हम फोटोशॉप में पेज लेआउट बनाते हैं। पेज लेआउट बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वेबसाइट जो है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तकरीबन 3 होते हैं। ठीक है, हेडर होता है ऊपर का जो मेन एरिया, फिर आपका फूटर होता है बॉटम वाला एरिया जिसमें अमूमन बटन्स भी लगे होते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा, और एक मेन कंटेंट एरिया जो दरमियान का एरिया होता है। ठीक है, हेडर ऊपर वाला एरिया, फूटर बिल्कुल नीचे वाला एरिया, और दरमियान वाला एरिया जिसको आप कहते हैं मेन कॉन्टेंट एरिया। शुरू में जो क्लासिक किस्म की वेबसाइट बनती थी उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर नेविगेशन बार आते थे, लेकिन अब लोग पसंद नहीं करते इसे, नेविगेशन बार नहीं लगाते। अब नेविगेशन बार क्या चीज़ है? देखिए, नेविगेशन बार का मतलब होता है ये बटन्स, होम, सर्विस, प्रोडक्ट, अबाउट अस एंड सो ऑन। ठीक है, कस्टमर केयर, ये सारे बटन्स हैं। अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा होम के पेज पे चला जाऊँगा, क्योंकि ये एक पेज है, एक लेआउट है, तो मैं क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट पर लेके नहीं जाएगा क्योंकि ये एक्टिव वेबसाइट नहीं है। लेकिन अगर एक्टिव वेबसाइट बनती है तो उसके ऊपर HTML कोडिंग होती है। अभी हमारा इससे लेना देना नहीं कि HTML कोडिंग कैसे करेंगे या इसके ऊपर बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे लगाएंगे या इसके पीछे जो ड्रीमवीवर से हम कोडिंग कर रहे होते हैं वो कैसे होगी, ये हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये कि पेज डिज़ाइन कैसे होगा, यानी पेज लेआउट। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में पेज लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं, जिसका एक अलग ही कैटेगरी है, जो बाकायदा लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन आपको बना के देते हैं, और आप खुद सीख लोगे तो आप खुद बना सकोगे। ओके, सबसे पहले मैं एक वाइट पेज इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, और देखिए जैसे जैसे ड्रॉ करता जाऊँगा मैं बंद भी करता जाऊँगा उन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ से आप ले लेंगे शेप लेयर, पाथ की जगह आप ले लेंगे शेप लेयर। ठीक है, कलर अभी चाहे जो भी आ रहा हो, अभी मैं पहले बना लेता हूँ, अभी से चेंज करना चाहिए तो इसका वाइट कलर ले लें। तो अब ये वाइट कलर का बनाएगा, स्ट्रोक नेल रखा है ताकि जो भी बॉक्स बनाए उसका आउटलाइन स्ट्रोक ना दे। ठीक है, इलस्ट्रेटर चूँकि आप सब पढ़ चुके हो अरीना नॉर्थ कराची, तो आप सबको पता है कि स्ट्रोक का कलर देने से क्या होता है। तो मैंने वाइट कलर लिया है और मैं बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ से,
इस पूरे मॉनिटर पे या इस लैपटॉप के स्क्रीन पे मैंने इस तरह से एक बॉक्स बना दिया, वाइट कलर का ही आया। क्यों आया आपको पता है? कि मैंने यहाँ से कलर चेंज किया था, जो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने आई ऑफ कर दिया इसका, अब ये बाद में तमाम को ऑन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ ले लेता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्ब ना करे। इसको मैंने तोड़ लिया है, अब ये यहाँ खुलने के बजाय यहीं रहेगा और यहाँ से मैं इसको देख सकूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, ये तो आ गया। अब फाइनली यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ, शेप मैंने लिए, एक और शेप बनने जा रही है इसके ऊपर। और अब जो शेप बनेगी उसका कलर जो आएगा वो आएगा इससे मैचिंग कलर हो, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने ऐसी कलर ले लिया है, ठीक है, जिसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाद में कलर पिकर से भी आप कलर ले सकते हैं, जैसे कि कलर पिकर आ गया तो इससे मिलता जुलता कलर आप बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। यानी आप इससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता कलर इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके कर दिया। और यहाँ भी मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये आ गया हेडर का रेक्टेंगल, ठीक है। हेडर वाला जो एरिया है उसका मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। कलर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी बन गया तो अब नहीं होगा। अगर इसकी मैं आई ऑफ कर दूं और यहाँ डबल क्लिक करूं और यहाँ से लेने की बजाय यहाँ से कलर ले लूं, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल यही कलर आ जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। देखा आपने, आप खुद गौर से देखें, ये ऑरिजिनल कलर है और ये मेरा बनाया हुआ कलर है, सेम आ गया ना। ये मैं बार बार करूँगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो कोई मसला नहीं है, दोबारा भी करने वाला होगा। अब इसके ऊपर मुझे लोगो लगाना है, कोई भी लोगो आप लगा लें, जैसे मेरा लोगो बना हुआ वही लगा देता हूँ, वरना आपका लोगो जो बना है वो आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, अगर आपका बुटीक का है या आपका पार्लर का है तो पार्लर में ये मत लगाना, तो लोग समझेंगे कि आप इस ब्रश से मुंह पे जो है वो सफ़ेदी लगा दें, वो भाग जाएंगे कि ये पार्लर जाने से बेहतर है बंदा खुदकुशी कर ले कि ये हमारे मुँह पर ये वाला पेंट लगाने वाला है। तो कभी कभार हो जाता है कि ऊपर लिखा होता है समा ब्यूटी पार्लर, जो भी नाम है, नीचे ये बंदा खड़ा हुआ है, ये पेंट कर रहा है चेहरे पर, तो ऐसा ना हो जाए। तो बहरहाल मैं इसकी आई ऑफ करता हूँ। अब लोगों की बात आई, लोगों लेके आता हूँ और कुछ भी कोई भी मैं लगा देता हूँ अभी तो फिलहाल। ओके ठीक, ये ट्रांसपेरेंट है, ये लोगों मैंने कट किया हुआ, तो ये मैं उठा के ले आता हूँ, ये आके ड्रॉप किया मैंने, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट आउटर करके, या आप मेरे इस केस में शिफ्ट से ही दोनों तरफ से होगा, आपको आउटर नहीं दबाना पड़ेगा, लेकिन हाँ बटन पहले नहीं छोड़ना, शिफ्ट दबा के पहले आप छोटा कर ले साइज, फिर आप इसको माउस का बटन छोड़ें, उसके बाद आप जो है वो आल्टर छोड़ दें। अब इसको पहले जगह पर रखता हूँ, थोड़ा बड़ा है साइज में, और थोड़ा छोटा कर दिया इसको, ठीक है। स्लोगन है कुछ भी है तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया इसको फिलहाल, ठीक है। अब एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैं पीछे का बैकग्राउंड ऑन कर दूँ तो ये पढ़ा नहीं जाएगा इतना, तो क्या किया जाए कि ये पढ़ा जाए, या तो ग्लो लगा दूँ, लेयर साइड सब पढ़ा हुआ है ना, तो मैंने डबल क्लिक किया, या तो मैं ग्लो लगा दूँ उसके ऊपर या फिर स्ट्रोक ऑन कर दूँ, वाइट कलर लिया इसमें और साइज बढ़ा रहा हूँ, देखें अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इनसाइड की जगह आप कर देंगे आउटसाइड, बेहतरीन हो गया, ठीक है। आप साइज अपने हिसाब से कम करना, ये साइज है, ठीक है, साइज में कम कर देता हूँ थोड़ा, और ये काफ़ी हद तक विजिबल हो गया है। ओके कर दिया, डन हो गया। अब आगे कोई स्लोगन लगाना है, कुछ भी आप लिखना चाहें तो टेक्स्ट टूल लेके आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, अब मैं इनको बंद करता हूँ और आखिर में तमाम को ऑन, अभी तो फिलहाल ये भले खुला रहे लेकिन मेन आपको इसका जो नेविगेशन बार बनाना है। नेविगेशन बार के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अगेन बॉक्स, ठीक है, और वाइट कलर का है तो वाइट कलर का ही बॉक्स बन जाएगा इसके ऊपर। नेविगेशन बार का बैकग्राउंड बन गया ये वाइट कलर का, आई मैंने ऑफ करी, ठीक है। इसी के ऊपर मैं टेक्स्ट लिख के देखता हूँ, पहले टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करता हूँ, फॉन्ट का जो भी साइज़ है उसको कम करता हूँ, 18 से कम करके 12 करके देखें पहले, नॉट बैड, ठीक है। और मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो मैं होम, अब स्पेस कितना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्विसेज, यानी गैप को देखते मैंने देखकर मैंने 10 का स्पेस दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आवर प्रोडक्ट्स, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ आपको पता चल रहा है ना,
कस्टमर आप अपनी मर्जी से ऐड कर लें, कोई जरूरी नहीं यही हो। कस्टमर केयर अबाउट अस, ये लिखने के बाद पहले मैं इसके साथ रखता हूँ कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट दबा के, बल्कि ऐसे ही बड़ा होगा ये मेरे वाले फोटोशॉप में, ऐसे आप इसको साइज में लार्ज कर लें। पहले मैं इसको जगह पे रखता हूँ, फॉन्ट अभी फिलहाल यही यूज़ करता हूँ, अगर आप कोई और फॉन्ट यूज़ करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ रखा मैंने, कलर इसका ब्लैक कर दूंगा, तो यहाँ पर डबल क्लिक किया और आप सबको पता है यहाँ से आप ब्लैक कलर कर सकते हैं इसका, ओके कर दिया, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, आया कुछ समझ में। फॉन्ट कभी भी चेंज किया जा सकता है, अगर ये नहीं अच्छे लग रहे आप कभी भी जाके फॉन्ट चेंज कर दो। बहरहाल अभी तो मैंने ये लिया हुआ है, और अगर कोई और लेना चाहे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। सबको आता है ना चेंज करना फॉन्ट। अब नीचे जो आपका नेविगेशन बार के नीचे जो इमेज आएगा आपका, ठीक है, वो कैसे करेंगे? इमेज आप बहुत सिंपल तरीके से लाएंगे, आप फाइल में जाएं, यहाँ पे आप प्लेस भी करवा सकते हैं, प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड करेंगे तो जो तस्वीर है वो इसके अंदर सेव रहेगी, एम्बेडेड नहीं कराओगे तो वो इमेज हट सकती है नेक्स्ट डे। तो बहरहाल मैं अब मैं यही इमेज लगा देता हूँ फिलहाल, आपको जो इमेज लगानी है लगा दें, ठीक है। अच्छी इमेज है ना, आंखों को भाती भी है। अब वो पेंट करने वाला बंदे को कौन देखेगा, ये सब देखेंगे। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप बोले सर ने बोला यही लगाना है, नहीं ऐसा नहीं है, कोई भी लगा दे। अब थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ क्योंकि यह जगह है, तो शिफ्ट दबा के मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जगह को पूरी तरह कवर कर लें। एंटर दबा दिया, आया कुछ समझ में, ये तो आ गया। इसकी मैंने आई ऑफ की, अब ये भी लगाना चाह रहा हूँ, पहले पेज में क्या है दूसरे में क्या है, तो ये आप आगे आगे, अगर मैं इधर क्लिक करूँगा कोई और तस्वीर आएगा, इधर क्लिक करूँगा तो कोई और तस्वीर, आपको पता नहीं ऐसा होता है। तो ये अलग अलग बटन होते हैं जो कि लिंक होते हैं, हाइपर टेक्स्ट, जैसे हाइपर लिंक कहते हैं उसको। हाइपर लिंक क्या करता है, जैसे आप बटन पर क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। ये चीज़ टेक्स्ट पर भी लगा होता है, जैसे आवर प्रोडक्ट किया तो यहाँ आवर प्रोडक्ट का पेज खुल गया है ना मेन कॉन्टेंट में। तो ये हाइपर लिंक है जो आप आगे वेब डिजाइनिंग में जो HTML कोडिंग, बूटस्ट्रैप वगैरह जो सिखाते हैं या डेवलपमेंट सिखाते हैं, वहाँ आप सीखेंगे कि अगर आपको वेब डिजाइनिंग मतलब डेवलपमेंट लेवल पे सीखना है तो वहाँ आप सीख सकेंगे, जहाँ पे लिंक कैसे बनाते हैं, हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक वगैरह कैसे जनरेट करते हैं, एंकर से कैसे काम करते हैं, ड्रीमवीवर पे कैसे वेबसाइट बनती है, वो सब भी सिखाया जाएगा। बहरहाल यहाँ पे अभी मैं ये चीज़ आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल लेता हूँ, अभी तो फिलहाल आप ऐसे एक सर्कल बना लें शिफ्ट दबा के, ठीक है। और अभी जो भी कलर आ रहा है, अभी फिलहाल मुझे जो कलर चाहिए वो कलर चाहिए, मैं यहीं से क्लिक करता हूँ, ग्रे कलर का कोई, इस तरह का ग्रे कलर नज़र आ रहा है सबको, ओके। मैंने डार्क ग्रे लिया है, बिल्कुल सेट हो गया, स्ट्रोक मैंने डिल किया हुआ है, ठीक है। अब जो शेप आई है ना, इसको मैं फिलहाल यहाँ पर रख देता हूँ। एक शेप तो यही हो गई, डाउन एरो करके बिल्कुल उसकी लाइन में रखना है, लाइन में रख दें। ऑल्टर दबा के मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट भी दबाया था कि सीधा जाए, और ये इलस्ट्रेटर में नहीं, ये कंट्रोल डी करके आएगा, आएगा नहीं इसमें नहीं आएगा, आपको इलस्ट्रेटर में आपको पता है कंट्रोल डी करके आप ला सकते हो। बहरहाल मैं इस तरह करके लगा दूंगा, ये तीन हो गए, और मैं शिफ्ट दबा के तीन लेयर सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल जे कर दिया, मजीद तीन आ गई। सबको आया समझ में कैसे हुआ ये, पता है ना? चले ठीक है, नहीं पता है तो मैंने क्या किया, तीन लेयर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के जैसे कंट्रोल जे किया तीन की कॉपियां बन गई। कंट्रोल जो आपको पता है लेयर की कॉपी। हाँ, एक आपने देखा था हल्के कलर का था, नोट किया था आपने, एक हल्के कलर का था, तो मैं किसी भी एक को सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी आप यहाँ से डाउन कर दें, जैसे कि आप देख सक रहे होंगे यहाँ ओपेसिटी मौजूद है, थोड़ा हल्का कर देता हूँ। अच्छा, मैंने लेयर गलत सिलेक्ट कर दी, तो इसका मतलब मुझे ये, मैं नीचे चला गया था तो ये लेयर्स है, इनकी आपने किसी भी एक की आपने डॉट की जो ओपेसिटी कम करें, जो कि हो गई है, तो आप देख सक रहे हो गई है। और नीचे मैंने लेयर्स काफ़ी सारे बंद किए हुए थे, तो इस वजह से भी आपको काफ़ी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जैसे कि ये कैश वाली इमेज है, अब ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है, डन हो गया यहाँ तक। फिर फाइनली आपके पास ये एरिया रहता है, इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ भी आप एक सबसे ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट करें, ताकि ऊपर आएगी नीचे ना आए, जो आपका फूटर वाला एरिया है, क्योंकि अभी आपका मेन कंटेंट ही है, क्योंकि ये पेज नीचे और भी होगा जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पेज के नीचे फिर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं वैसे ही नीचे बटन्स लगे होते हैं ज़्यादातर नेविगेशन, अगर आप वेबसाइट्स में देखें तो। अब इस पेज में क्या है कि यहाँ पर जो कॉन्टेंट एरिया है, मेन कॉन्टेंट एरिया,
इसको बनाने के लिए अगेन आप ले लेंगे एक बॉक्स, तो ये ले लिया आपने एक बॉक्स रेक्टेंगल लिया, और कलर आप ले लें यहाँ से वाइट कलर, ठीक है। अच्छा उसका वाइट लग गया क्योंकि ये सिलेक्टेड था, तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले सिलेक्शन टूल लेता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, और फिर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ ताकि ये सिलेक्शन ऑफ हो जाए किसी तरीके से। अब ये लेयर सिलेक्टेड है ना, ये काम बिगाड़ सकते हैं। सब हो ये ऑफ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये है इसकी आई ऑफ हो जाती है जो कि गलत हो जाएगा। कारण अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं बाहर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स ले रहा था, बॉक्स लिया मैंने, ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, बेहतरीन हो गया, वाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है। आई ऑफ करना ऑफ कर दें आप, ताकि इसके ऊपर कोई अभी काम ना हो। और आप इसका नेमिंग करना आता है ना सबको, डबल क्लिक करके नेमिंग कर देना कि ये कंटेंट एरिया है, या फिर ये जो है वो आपके बटन्स हैं, या ये स्लाइडर्स हैं, तो स्लाइडर नंबर वन, स्लाइडर टू, इस तरह आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। अच्छा मैंने इसकी आई तो ऑफ करी है, लेकिन आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट टूल से आप टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे अबाउट अस है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट अस, फॉन्ट अपनी मर्जी का आप ले लेंगे, ठीक है, अबाउट अस आ गया। कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज एनलार्ज कर देता हूँ, ठीक है, अपसाइड। तो अभी अबाउट अस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डन। अब यहाँ पर नीचे सारा कंटेंट लिखना है आपने, तो आप क्या लिखना है वो टेक्स्ट आप ले लीजिएगा, बाकी मैं क्लिक करके लिख देता हूँ कुछ भी यहाँ पे। अब बर्जर ही है तो चले बर्जर, या पाकिस्तानी रुपीज़ आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ जो भी आता है, वन ऑफ दी बिगेस्ट ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज देयर इनकम। मैं तो तुक्का मार रहा हूँ, बोले कुछ वेरी फास्ट। चलिए अब ये अजीब सा लिख दिया मैंने, ये होता है मतलब आप कुछ भी लिख दें, कंटेंट नहीं है तो ये लिख दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी है ना, अब तुमने यही लिखना है जो बोला है ना, और कंट्रोल वी। अच्छा आप एंटर कर रहे हो, कंट्रोल वी, फिर एंटर किया कंट्रोल वी, अब ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, जो भी एक गार्बेज कह लें, गार्बेज तो नहीं कहना चाहिए, एक डमी टेक्स्ट कह लें, डमी टेक्स्ट बना दिया मैंने जो इस तरह से लगा दिया। अब इस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपके पास लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन तीनों चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और अब चूंकि ये तीनों सेम है तो ये एक ही जगह पे एंड हो रहा है। अब जाहिर सी बात है जब आप लगाओगे तो उसके अंदर कुछ टेक्स्ट एक्स्ट्रा भी होंगे, है ना, आप खुद टाइप करोगे, मैंने टाइप खुद किया, लेकिन मैंने एक ही लाइन टाइप की, बाकी की दो कॉपी कर ली है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन जब आप टाइप करोगे तो जाहिर सी बात है कहीं वहाँ इन पाकिस्तान आ रहा होगा, कहीं एंड में इन पाकिस्तान नहीं आ रहा होगा, पेंट आ रहा होगा, फर्क तो आ जाएगा, है ना। तो फिर आप उसको कैसे, उसको अलाइन करना सबको पता है, जस्टिफाई कैसे करना, या फिर लेफ्ट लाइन राइट अलाइन कैसे करना, ठीक है, तो ये आप कर सकोगे। तो ये आ गया, अब तमाम को मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये आपका वेबसाइट तकरीबन डन है, ठीक है, सब खोल दिया मैंने, ठीक है, ये बन गया। अब कैसे उसकी जेपीजी, सबको आता है जेपीजी निकालना, ठीक है, जेपीजी फिर भी बता देता हूँ, फाइल में जाके, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से कर देता हूँ सेव एज या एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पे आपके पास अभी जो आपको दिखा रहा है पीएनजी है, क्या देखें, जेपीजी, ठीक है, जेपीजी आ गया। अगर जेपीजी आ गया 12, ठीक है, 12 बिट का ये फाइल आ रहा है, जो भी है बेहतरीन हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट ऑल कर देंगे, एक्सपोर्ट ऑल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इमेज बनाने का ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज करेंगे, और यहाँ से जेपीजी में इसको सेव करेंगे, और डेस्कटॉप बताकर आपने इसको सेव कर लेना है, कोई भी नाम से मैंने सेव कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अभी मैंने नाम नहीं रखा था, ऐसे ही सेव किया है, तो ये रही वो फाइल। अब आप चाहे तो ग्रुप में शेयर कर दें, चाहे अपने पोर्टफोलियो में लगा दें, आया वो समझ में। सिंपल पेज लेआउट है जो आपने बनाना है, आगे को स्लोगन लगाना है, स्लोगन लगा दें, ठीक है, हो सकता है, या कोई और चीज़ आप यहाँ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। वीडियो स्क्राइब बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, तो अब से कमाना शुरू कर दें, ग्राफिक का कोई आइडिया होना ज़रूरी नहीं है,
सिर्फ आप तो बिजनेस भी करते हैं, आपका पार्लर है, आपकी शॉप है, आप आवारागर्दी करते हो फॉर एग्जाम्पल, यानी दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है और रिहायशियाँ वगैरह चल रही हैं, तो ऐसे बच्चों को पकड़े और इस सॉफ्टवेयर के सामने बिठा दें कि बैठो और सीखो और कमाओ, इंशाल्लाह वो ज़रूर से फ़ायदा उठा के आपको दिखाएगा और उसकी एक इज्जत बनेगी फैमिली में कि आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा कमाने वाला इंशाल्लाह वही होगा और आप लोग भी हो सकते हैं इसमें, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।